अस्सलाम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक कलम एकेडमी। तो बच्चों, मेरे पास ये चैप्टर है जॉनस्टोन कंपनी का। वैसे तो इसकी पहले भी वीडियोस बनी हुई है, लेकिन वो क्या है कि कुछ इतनी वो ग्राफिक्स नीड्स नहीं है, तो बच्चों को काफ़ी इशू हो रहा है, इसलिए नीट से हम बनाते हैं। जॉनस्टोन कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इंपॉर्टेंट चैप्टर, आसान है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है बच्चों? एक और चीज़ है बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे जिन बच्चों ने काम दिए हुए, मतलब हर स्टूडेंट्स ने अपना अपना काम दिए कि सर हमें ये कर दे, वो करवा दे, ठीक है, मैं सारे आपके काम ज़रूर करूँगा बच्चों। थोड़ा सा मैं टाइम मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि वही होता है कि जब स्टूडेंट्स नए आते हैं ना, मतलब जब मैं क्लासेस या बैच स्टार्ट करता हूँ, उस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इसलिए होता है कि बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती है क्लासेस कैसे हमने लेनी है, जबकि बहुत ईजी वे है। मैं जूम पर इसलिए नहीं लेता, इसकी वजह क्या है कि अगर तो ये आपका कभी नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो कोई चीज़ पीछे से रह जाती है, बच्चों को समझ नहीं आती। अभी पिछले दिनों जब मैंने बी कॉम पार्ट वन की क्लासेस ली थी, पेपरों में मैंने लाइव ही ली थी यूट्यूब के ज़रिए, वो काफ़ी उस वक्त नेट अच्छा चल रहा था और बच्चों की तैयारी हो गई थी। खैर, वो बात की बात है, तो आपके काम हो जाएंगे, मुझे जैसे टाइम मिलेगा आपको मिल जाएगा, उसकी आपकी टेंशन नहीं थी बच्चों। जॉनस्टोन कंपनी, जिसे मुख्तसर JSCB कहते हैं, क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। अ जॉइन स्टॉक कंपनी इज डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सन से पता क्या मुराद है? कि जो मैंने बिल्डिंग ली है ना, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। यानी मुझे अगर कंपनी में काम करना है या मैंने कोई कंपनी चलानी है, मुझे एक जगह चाहिए, वो जगह आपको पता है एक बेजान है आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से, ठीक है? उसको पहचाना किससे जाता है? रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यानी कानून, कानून से। एक कानून होता है, आपके कानून बने होते हैं, उसमें तरतीब होती है, उसमें कायदे ज़ाब्त होते हैं, हर चीज़ होती है, ठीक है? इसके अलावा एक नाम होता है कंपनी का, और एक कंपनी की कॉमन सील होती है। कॉमन सील से मुराद क्या है बच्चों? उसकी मोहर होती है, ठीक है? हर कंपनी का होता है, डिफरेंट है, ठीक है? ये सब है। और उसमें एक चीज़ होती है कि वो अपने शेयर को क्या कर सकती है? ट्रांसफ़र कर सकती है शेयर्स को एक बंदे से दूसरे बंदे तक। तो ये सिंपल डेफिनेशन है जॉनस्टोन कंपनी क्या होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन की जब मैं बात करूँ, इट्स मीन ये क्या है, ये एक बिल्डिंग है। जाहिर सी बात है, मुझे जो भी कोई काम करना है, मुझे बिल्डिंग चाहिए जिसमें स्टाफ बैठेगा, वो काम करेगा। एक लॉ बना होता है, यानी दो तरह के होते हैं, प्राइवेट भी होती है और पब्लिक भी होती है। नेम होता है उस कंपनी का, दूसरी बात है कॉमन सील, एक मोहर होती है उसकी, जो कि वो बताती है कि ये इस कंपनी की मोहर लगी हुई। ट्रांसफ़र शेयर्स है, शेयर्स को आप ईजी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जगह मुराद बंदे। बच्चों, बात अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कंपनी कितनी टाइप्स होती है। मैं इसको आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, कंपनी की टाइप्स कितनी होती है। मेन एक और चीज़ है बच्चों, किताबों का बात बच्चों ने बड़ा वो डाला हुआ कि जी सर हमारी किताबें और हैं, आपकी किताबें और हैं। कॉन्सेप्ट बच्चों, ये चीज़ जहन में याद रखें, कॉन्सेप्ट। अगर मैंने आपको डेफिनेशन के क्वेश्चंस करवाए हैं, उसमें मैंने आपको दो मेथड बताए हैं और उनके नाम है, तो चाहे आप जो मर्जी बुक ले लें, उसमें यही मेथड पूछे होंगे, डिमिशनिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस, स्टेट एंड फाइनल मेथड। बात ये है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जब एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो कॉपी पेस्ट नहीं होते, अमाउंट चेंज होती है, नाम चेंज होते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको समझ आ गई है, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। सेम लाइक स्टैट है, मैंने आपको मीन सिखाया कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? अब मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दूँ, तो क्या आप फाइंड नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, क्योंकि फार्मूला वही है, हर चीज़ वही है, सिर्फ अमाउंट का चेंज है। तो बच्चों, कंपनी की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, क्या होती है? प्राइवेट कंपनी। और एक बच्चों मेरे पास होती है पब्लिक कंपनी, ठीक हो गया? हमने जो भी यहाँ पर काम करना है, उसका सारा काम जो है वो पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी से मुराद है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है? क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है, वो अपनी हर चीज़ को जो है अपने न्यूज़पेपर में क्या करती है? पब्लिश करती है, ठीक हो गया? अगला पॉइंट, कंपनी को जब सरमाए की ज़रूरत पड़ती है, सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। अब सरमाया क्या होता है बच्चों? सिंपल लैंग्वेज में मनी, क्या हो गया? मनी। कंपनी को जब सरमाए की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करती है? वो शेयर्स जारी करती है। क्या करती है? शेयर्स जारी करती है बच्चों। अब शेयर्स क्या होते हैं? उसको उर्दू में कहते हैं हिस्सा। सिंपल मीनिंग में आपको बताता हूँ, आपने प्राइस बॉन्ड तो देखे होंगे ना, प्राइस बॉन्ड।
प्राइस बॉन्ड क्या होता है बच्चों, वो एक कागज़ होता है नोट की तरह, उसके ऊपर वैल्यूज लिखी होती है 100 के, 200 के, 1500 के, 10,000 के, 7,000 के, ठीक हो गया। आप इसको जो है पैसे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज हर जगह पर ये एक्सेप्टेबल होता है, ठीक हो गया। इसी तरह बच्चों शेयर्स भी ऐसे ही होते हैं, वो सर्टिफिकेट होते हैं उसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है 100 के हैं, 200 के हैं, 300 के हैं। हम क्या करते हैं, कंपनी वाले जो है वो कहती है कि हम अपने शेयर जो है जारी करने हैं, तो जिसने आके परचेज करना है वो ख़रीद लो। तो जितने ज़्यादा लोग परचेज करेंगे आपका सरमाया यानी आपके पैसे इंक्रीज़ होंगे। अक्सर आपने ड्रामा फिल्म में सुना होगा वो इतने परसेंट जो है शेयर्स का मालिक है, वो इतने परसेंट जो है शेयर्स का मालिक नहीं है। इसका मुराद क्या होता है, कंपनी है, कंपनी में जितने आप सर्टिफिकेट खरीदा, आप फ़र्ज़ करें कि कंपनी में 100% जो है शेयर्स है, मैंने 60% उससे ख़रीद लिए हैं, तो अब 60% शेयर्स मेरे हो गए, यानी उस कंपनी का जो भी मुनाफा होगा मुझे मिलेगा और इस कंपनी के मामलों पर मैं दखलंदाजी कर सकता हूँ। इन्वेस्टिंग सरमायाकारी करना सिंपल हो गया। तो कंपनी को जब भी सरमाए की जरूरत पड़ती है क्या करती है, शेयर जारी करती है सर्टिफिकेट के, अवाम को दावा देती है आओ हमारे शेयर्स खरीद लो। जब अवाम खरीदती है तो उसके बदले कंपनी को क्या मिलता है, पैसा। अब जो जारी करती है उसके इशू करने के 3 टाइप्स होते हैं। चले जी, शेयर्स करेगी इशूड एट पार, टाइप्स ऑफ शेयर, ठीक है, क्या है टाइप्स ऑफ शेयर। जब कंपनी ने शेयर्स को जारी करना है उसके 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है, एट पार, उसके बाद है शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, क्या है प्रीमियम। अब मैं आपको सिंपल मीनिंग बताता हूँ कि क्या है बच्चों। पार का मतलब होता है असल कीमत, क्या होता है असल कीमत। डिस्काउंट का मतलब होता है असल कीमत से कम, और प्रीमियम का मतलब होता है असल कीमत से ज़्यादा। कैसे पता चलेगा, देखिए फ़र्ज़ करें जो आपकी ज़्यादातर वैल्यू स्टार्ट होती है वो 100 से होती है, 100 मेरी असली वैल्यू है स्टार्टिंग, डिस्काउंट से कम होगा 95, 5 रुपये कम होंगे, और प्रीमियम पे आ जाए 110। ये देखिए असल प्राइस 100 है, डिस्काउंट असल कीमत से कम 95 हो जाएगा और असल कीमत से ज़्यादा 110 हो जाएगा। तो कंपनी इस 3 तरीके से शेयर्स को जारी करती है और हर की एंट्री होती है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो आप लोग इसको देखना। फिर कह रहा हूँ बच्चों, आपने जो मुझे क्वेश्चन जिस बच्चे ने भी दिए हैं ना, मैं आपका काम कर दूंगा काइंडली, थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें क्योंकि काफ़ी काम पड़े होते हैं वो मैंने देखने होते हैं, लेकिन आपको मिल जाएगा जो ही हो जाएगा काम, वो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगा, उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल जो अभी करवा रहा हूँ वो आप ज़रूर करें, उसकी आप टेंशन ना लें, जो बच्चे साथ जुड़े हैं उनका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।